school online class, subject आपका English, standard है senior KG, English में alphabet में A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for gun, H for hand, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for owl, P for parrot, Q for queen, R for rat, S for sun, T for table. So, वो अगले लेक्चर में मैंने सब सिखाया था. कैपिटल एंड स्मॉल लेटर में डिफरेंस कैसे लिखा जाता है वो बता रही हूँ मैं. आज यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. ओके, तो सबसे पहले आपकी बुक्स ऐसी होती है बेटा, देखो है ना, आपकी बुक्स कैसी होती है बेटा, ऐसी होती है. फोर लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन. तो कैपिटल यू, कैपिटल यू आपको यहाँ देखो रेड लाइन से स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व, स्टैंडिंग. ऐसे रेड लाइन से ब्लू लाइन तक आपका कैपिटल यू होता है. ओके, यू फॉर अम्ब्रेला. स्मॉल यू दोनों ब्लू लाइन में टच करके आपको उसमें स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन और स्टैंडिंग लाइन से. तो ये हुआ स्मॉल यू, यू फॉर अम्ब्रेला. अल्फाबेट के लेटर्स टू टाइप्स के होते हैं, आपको पता है, कैपिटल एंड स्मॉल. तो ये कैपिटल यू एंड स्मॉल यू. अभी कैपिटल वी कैसे लिखोगे, रेड लाइन और ब्लू लाइन, रेड लाइन ब्लू लाइन तक आपको, रेड लाइन में पहले रेड से ब्लू लाइन तक आपको स्टैंडिंग स्लैंडिंग लाइन करनी है और ब्लू से रेड लाइन तक आपको, ब्लू से रेड लाइन तक आपको स्लैंडिंग लाइन करनी है. ऐसे और ऐसे, ये हुआ अपना वी, कैपिटल वी. अभी स्मॉल वी आपको ओनली फॉर ब्लू लाइन, दोनों ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन दोनों टच करके आपको लिखना है. तो वी दोनों ब्लू लाइन स्लैंडिंग लाइन, तो ये हुआ अपना स्मॉल वी, है ना. हाँ, यू, यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर बैंड. अभी वी आफ्टर आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वॉच, है ना. हाँ, तो वॉच आपको कैसे लिखना है, डब्ल्यू रेड लाइन से नीचे ब्लू लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंडिंग लाइन, फिर स्लैंडिंग लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वो रेड लाइन बताती है. तो रेड से ब्लू लाइन तक आपको डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू. ओके, स्मॉल डब्ल्यू दोनों ब्लू लाइन तक. ये हुआ स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल यू वी डब्ल्यू. अभी एक्स, एक्स रेड से ब्लू लाइन तक आपको स्लैंडिंग लाइन क्रॉस करनी है, वो तो आपको आता है ऐसे, है ना. हाँ, तो एक्स रेड से ब्लू लाइन तक स्लैंडिंग लाइन, अभी यहाँ भी रेड से ब्लू लाइन तक स्लैंडिंग लाइन. तो ये हुआ आपका कैपिटल एक्स. स्मॉल एक्स आप कैसे लिखोगे, दोनों ब्लू लाइन में स्लैंडिंग लाइन क्रॉस, तो ये हुआ स्मॉल एक्स. कैपिटल वाई आपको रेड से ब्लू लाइन तक स्लैंडिंग लाइन करनी है, ऐसे लिखो. ओके, सॉरी, हाँ, यहाँ यहाँ रेड से ब्लू लाइन तक और रेड से नीचे की ब्लू लाइन तक, तो ये हुआ आपका कैपिटल वाई. स्मॉल वाई दोनों ब्लू लाइन को टच करके नीचे की रेड लाइन में जाता है, ऐसे देखो. तो ये हुआ आपका स्मॉल वाई. अभी जेड ऊपर की रेड लाइन से नीचे की ब्लू लाइन तक स्लीपिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, तो ये हुआ आपका कैपिटल जेड. स्मॉल जेड आप कैसे लिखोगे, दोनों ब्लू लाइन में स्लीपिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, तो ये हुआ आपका कैपिटल और स्मॉल यू से सेट करता अल्फाबेट लेटर. फिर से लिख रही हूँ, देखो समझा रही हूँ. रेड से ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन और ऊपर की रेड लाइन तक आपको लेके जाना है, तो यू कैप
स्मॉल ये दोनों ब्लू लाइन है, देखो ऐसे, हाँ हो गया। वी कैपिटल वी रेड लाइन से ब्लू लाइन तक स्लैंटिंग लाइन, और ब्लू लाइन से रेड लाइन तक स्लैंटिंग लाइन, तो ये हुआ कैपिटल वी। स्मॉल वी दोनों ब्लू लाइन से स्लैंटिंग लाइन, तो ये हुआ स्मॉल वी। डबल वी तो डबल वी रेड लाइन से ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ओके ऐसे। स्मॉल डबल यू दोनों ब्लू लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ओके बेटा। कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स ऊपर की रेड लाइन से ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग स्लैंटिंग लाइन, और ये स्लैंटिंग लाइन है, तो ये हुआ कैपिटल एक्स। स्मॉल एक्स दोनों ब्लू लाइन स्लैंटिंग लाइन क्रॉस, तो ये हुआ स्मॉल एक्स। बाय भाई ऊपर की रेड लाइन से ब्लू लाइन तक आपको ऐसे लेके जाना है, ओके, और रेड से ब्लू लाइन, तो ये हुआ अपना कैपिटल वाई। स्मॉल वाई ब्लू लाइन दोनों को टच करके ऐसे स्लैंटिंग लाइन, और ब्लू से नीचे की रेड लाइन तक ये हुआ स्लैंटिंग लाइन, तो ये आपका स्मॉल हाई जेड। कैपिटल से ब्लू लाइन तक आपको स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, तो ये कैपिटल जेड। स्मॉल जेड स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, तो ये दोनों ब्लू लाइन को टच करके स्मॉल जेड आता है, ओके बेटा। फिर से देखो यहाँ कैपिटल यू रेड लाइन से कर्व और रेड लाइन तक वापस, तो ये कैपिटल यू। स्मॉल यू दोनों ब्लू लाइन को आपको टच करके लिखना है। कैपिटल वी रेड से ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, तो ये कैपिटल वी। स्मॉल वी दोनों ब्लू लाइन को टच करके लिखना है। कैपिटल डब्ल्यू ऊपर की रेड लाइन से नीचे की ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू दोनों ब्लू लाइन को टच करके स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, है ना। एक्स ऊपर की रेड लाइन से ब्लू लाइन तक स्लैंटिंग लाइन ऐसे क्रॉस, तो ये हुआ आपका कैपिटल एक्स। स्मॉल एक्स दोनों ब्लू लाइन को टच करके स्लैंटिंग लाइन तक पहुंचेंगे। कैपिटल वाई ऊपर की रेड लाइन से आपको ब्लू लाइन तक लेके जाना है, और रेड ऊपर की रेड लाइन से नीचे ब्लू लाइन तक आपको स्लैंटिंग लाइन, तो ये हुआ आपका कैपिटल वाई। स्मॉल वाई दोनों ब्लू लाइन देखो को टच करके स्लैंटिंग लाइन, और ब्लू लाइन से नीचे की रेड लाइन तक जाता है स्लैंटिंग लाइन। ये स्लैंटिंग लाइन कहाँ तक जाती है? नीचे की रेड लाइन तक, तो ये हुआ स्मॉल वाई। कैपिटल जेड रेड लाइन में ऊपर की रेड लाइन स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, तो ये कैपिटल जेड। और स्मॉल जेड दोनों ब्लू लाइन को टच करके स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, तो ये हुआ कैपिटल स्मॉल जेड। अभी कैपिटल यू फिर से देखो आप लास्ट, फिर लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए। रेड लाइन से ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन और स्टैंडिंग लाइन ऐसे। स्मॉल यू दोनों ब्लू लाइन को टच करके लिखना है। कैपिटल बी रेड ऊपर की रेड लाइन से नीचे की ब्लू लाइन तक स्लैंटिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन। स्मॉल वी दोनों ब्लू लाइन को स्लैंटिंग लाइन टच करके ब्लू लाइन में टच करके स्लैंटिंग लाइन। कैपिटल डब्ल्यू ऊपर की रेड लाइन से नीचे की ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ओके। अभी स्मॉल डब्ल्यू दोनों ब्लू लाइन में स्लैंटिंग लाइन। कैपिटल एक्स रेड लाइन से ब्लू लाइन तक स्लैंटिंग लाइन ऐसे क्रॉस, तो ये हुआ कैपिटल एक्स। स्मॉल एक्स दोनों ब्लू लाइन को टच करके आपको स्मॉल एक्स लिखना है। कैपिटल वाई ऊपर की रेड लाइन से नीचे की ब्लू लाइन तक स्लैंटिंग लाइन, ऊपर की रेड लाइन से नीचे की ब्लू लाइन तक स्लैंटिंग लाइन, तो कैपिटल वाई। स्मॉल वाई दोनों ब्लू लाइन में स्लैंटिंग लाइन देखो, और ये स्मॉल वाई नीचे की रेड लाइन तक स्लैंटिंग लाइन। कैपिटल जेड
स्लीपिंग लाइन, स्लेंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ओके, अ स्मॉल जेड दोनों की लाइन। तो ये हुआ आपका यू से जेड तक का अल्फाबेट लेटर, ओके। तो आज आपका अल्फाबेट कंप्लीट होता है। अभी इसके बाद आपको मैं वर्ड्स कैसे लिखते हैं फोर लाइन में वो सिखाऊंगी, ओके। कैपिटल और स्मॉल, देखो यू फॉर अम्ब्रेला, कैपिटल यू, स्मॉल यू, यू फॉर अम्ब्रेला, कैपिटल वी, वी फॉर वैन, कैपिटल स्मॉल वी, वी फॉर वैन, कैपिटल डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वॉच, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल एक्स, एक्स फॉर एक्सरे, एक्स फॉर एक्स मस्ट्री, स्मॉल एक्स, वाई, कैपिटल वाई, वाई फॉर यान, स्मॉल वाई, वाई फॉर यान, जेड फॉर जिब्रा, कैपिटल जेड, और जेड फॉर जी, स्मॉल जेड, ओके। तो ये हुआ आपका यू से जेड तक का अल्फाबेट, आपको कैपिटल एंड स्मॉल लेटर फोर लाइन में कैसे लिखा जाता है वो सबको मैंने आज सिखा दिया है, ओके बेटा, बाय।